नमस्कार जोहार सभी साथियों को, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। और दो तीन इम्पॉर्टेंट विषयों पर आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो कुछ छात्र थे जिन्होंने टारगेट बैच को लेकर के ये बोला कि झारखंड और खोट्टा का भी कराइए। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, अभी अगर 21 अगस्त को एग्ज़ामिनेशन होता है तो ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अपने साइड से आपको झारखंड और खोट्टा के कंटेंट की प्रिपरेशन कराऊँ। जो जेन्युइन बात है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी इसीलिए मैंने झारखंड और खोट्टा अलग करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग डील करने की बात की है। लेकिन अभी ऐसी बातें सामने आ रही है कि एग्ज़ामिनेशन का डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बना है जेई के एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, तो डेफिनेटली ये चांसेस हैं कि आयोग के लिए आसान नहीं होगा 21 अगस्त को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। जैसे ही डेट एक्सटेंड होगा, जैसे ये न्यूज़ आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाएगा, उसके बाद हम लोग डेफिनेटली खोट्टा और झारखंड को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। 10 दिन अगर डेट बढ़ता है तो झारखंड इंक्लूड किया जाएगा, और 10 दिन से ज़्यादा डेट बढ़ता है जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं तो खोट्टा को भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन अभी हम लोग टारगेट 21 तारीख को करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग टारगेट आपको दिए जाएंगे और जिसको आपको एकॉम्प्लिश करना है। आप सब जानते हैं जेई में इतनी कम ट्रैफिक थी, मात्र 40,000 स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे धांधली हो गई है, यहाँ तो लाखों की बात है। और छात्र अब बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि छात्र एक और धांधली को बर्दाश्त करें, ठीक है। डिले बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ समय लगेगा चलेगा, लेकिन आप जब भी एग्ज़ामिनेशन कराएं बिल्कुल फेयर तरीके से कराएं। जेपीएससी में भी आप सबको पता है किस प्रकार से बंदर बांट किया गया है, बिल्कुल नौकरियाँ बांट दी गई है, जिसको मन किया उसको नौकरियाँ बांट दी गई है। वैसे उस पर हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। जितने भी लोग जो टारगेट बैच से जो जुड़े हैं, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है, आज ही रात में आपको टारगेट पहला दे दिया जाएगा, ठीक है। पहला टारगेट आपको दे दिया जाएगा, आपको उसको 48 घंटे का विंडो आपके पास रहेगा, समय रहेगा, 48 घंटे में आपको उसको प्रिपेयर करना है। और 1 तारीख को आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है और फिर उसका वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं आप डिले ना करें, यकीन आप कर सकते हैं कि 100 रुपये में आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाएगा। एक हम लोग प्लान के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएगा एग्ज़ामिनेशन को लेकर, आप खुद महसूस करिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में बहुत तरह की संशय वाली बात है कि पता नहीं एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा, धांधली होगी, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। इस विषय में मुझे लगता है कि एक ट्विटर कैंपेन चलाना चाहिए और ट्विटर कैंपेन के बाद जितने भी एजुकेटर्स हैं, चाहे वो कुणाल सर हो, स्मृति मैम हो, करियर फाउंडेशन वाले हो, विनय IAS एकेडमी वाले हो, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। कुछ पल के लिए अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए और छात्र हित के लिए इनको साथ आना चाहिए और साथ आकर के JSSC के चेयरमैन से इनको मिलना चाहिए और अपने तरफ से इनको कुछ आइडियाज़ आयोग को देने चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन को कैसे कंडक्ट कराया जाए। ऑनलाइन अगर हो जाए तो बहुत बेहतर बात है। इस तरह की बातें अगर ये एजुकेटर्स जा करके अपनी तरफ से करेंगे तो डेफिनेटली इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इससे पहले एक अगर ट्विटर कैंपेन चल जाए, मैं अभी आपको कैंपेन चलाने नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए भी जितने भी एजुकेटर्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स जितने झारखंड के हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और कोई एक हैशटैग डिसाइड करना चाहिए और फिर स्टूडेंट से अपील करना चाहिए। तो डेफिनेटली वो हैशटैग ट्रेंड करेगा ही करेगा। आप इंडिविजुअली कुछ भी बोलिएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये जितने भी छात्र ऐसे हैं जिनका कॉन्टैक्ट है कुणाल सर से, स्मृति मैम से, विनय सर से, जिनसे भी आपका कॉन्टैक्ट है, आप उनसे बात करिए और इस विषय में उनको बोलिए कि JSSC CGL को लेकर के ये तमाम चीज़ें करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग सिर्फ पढ़ाई में बिजी रह जाएंगे और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग के लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत भरा रहने वाला है, क्योंकि झारखंड में आप हैं, आप सिर्फ पढ़ाई करके जॉब नहीं पा सकते हैं, यहाँ आपको बहुत सारे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होती है। तो बहुत बेहतर होगा एग्ज़ामिनेशन के बाद आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, आप आंदोलन करें, उससे पहले ही एग्ज़ामिनेशन से पहले ही आप ये सब काम कर देंगे तो हो सकता है कि एक फेयर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। और अभी माहौल भी पूरा बना हुआ है, क्योंकि अभी ED ने जिस प्रकार की कार्रवाई वेस्ट बंगाल में की है, झारखंड में भी जिस प्रकार से बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में ऐसा लगता है कि शायद लोग डरेंगे फिर से कोई गड़बड़ी करने से। बिहार में भी BPSC में जिस प्रकार से घोटाला हुआ, वहाँ भी लोग पकड़े गए हैं,
ठीक है, तो हमें अपने तरफ से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मैं फिर से अनुरोध करूँगा, स्टूडेंट से ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करिए और बोलिए कि एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाए, और उसके बाद आप लोग जा कर के मिलिए भी अध्यक्ष से और उनको सारी बातों से अवगत कराइए, क्योंकि छात्र बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, लगातार झेल रहे हैं। झारखंड के जितने भी छात्र हैं वो जब से तैयारी में आते हैं वो झेलना स्टार्ट कर देते हैं। और CGL हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद है, JPSC से भी बड़ा एग्जामिनेशन लोग CGL को मान रहे हैं, ठीक है। और 900 सीटें यहाँ पर हैं, तो बहुत ब्राइट इसमें चांसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स के बन रहे हैं। और किसी भी अनियमितता के कारण अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये बहुत ही गलत बात होगी। वीडियो को कंक्लूड करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, और अगर आपका कॉन्टैक्ट है तो प्लीज़ आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, ये डेफिनेटली छात्रों के हित में रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।